दोस्तों ये देखिए, ये हमारे स्प्रिंग रोल हैं, डीप फ्राइड एंड एयर फ्राइड। ये है एयर फ्राइड स्प्रिंग रोल, बहुत ही जबरदस्त बना है, लुक वाइज भी और खुशबू भी जबरदस्त है। और ये है हमारा डीप फ्राइड स्प्रिंग रोल, ये भी जबरदस्त बना है। आपको काट करके दिखाता हूँ, क्या जबरदस्त। ये है हमारा एयर फ्राइड स्प्रिंग रोल, ये देखिए ये कट गया, क्या जबरदस्त है अंदर से। और लेते हैं ये डीप फ्राइड, इसकी तो क्या ही बात है, दिलों का राजा है ये भी। ये भी देखिए क्या ही अंदर से मस्त दिख रहा है एकदम। आप देखिए ये वीडियो कितना आसान है इनको बनाना। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग रोल। ये मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, प्याज लिया है, स्नो पीज लिया है, शिमला मिर्च ली है, कैबेज ली है और गाजर लिया है। आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं, जो कोई भी सब्जी आपके घर में हो लीजिए और इनको अच्छी तरीके से सॉटे करिए, थोड़ा सा सिरका डालिए और थोड़ी सी सोया सॉस, ठंडा होने दीजिए और फिर आप बनाइए अपने स्प्रिंग रोल। तो आइए देखते हैं क्या प्रोसेस है और कैसे बनता है। तो दोस्तों ये पैन हो चुका है गरम, इसमें हम सबसे पहले डाल रहे हैं अपने ओनियंस। आप इनको बारीक बारीक भी काट सकते हैं, मैंने तो ये थोड़े बड़े बड़े काटे हैं। अब इसके ऊपर जा रहा है गाजर, इसके ऊपर जा रही है ये कैबेज, इसके ऊपर से जा रही है थोड़ी सी शिमला मिर्च, अब जा रहे हैं स्नो पीस। तो बस सब कुछ चला गया है, अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा सिरका डालेंगे और इनको स्टर फ्राई होने देंगे, इनका पानी निकलने देंगे अच्छी तरीके। गया नमक स्वाद अनुसार, उसके ऊपर से गई ये काली मिर्च भी स्वाद अनुसार, ये इतना सा जा रहा है सिरका, ये जा रहा है एक टेबल स्पून सोया सॉस। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर। तो ये देखिए हमारा रंग बिरंगा मसाला एकदम तैयार है स्प्रिंग रोल का, इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं और उतनी देर में हम और प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने तो ये पेस्ट्री शीट ली है, तक कि हमारी वेजिटेबल ठंडी होती है। एक मैं ग्लू बना लेता हूँ। तो हमें ग्लू बनाने के लिए क्या चाहिए, ये ले लिया मैंने 2 चम्मच मैदा, इसको मेरे को गाढ़ा गाढ़ा एक ग्लू बनाना है, इसमें डाल देते हैं। धीरे धीरे करके आपको पानी डालना है, पहले थोड़ा सा डालिए, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ग्लू तैयार। ये ली हमने स्प्रिंग रोल की शीट, ये मटेरियल डाला स्प्रिंग रोल का, ये गया मटेरियल, यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड किया, थोड़ा सा शीट को यहाँ से स्ट्रेच किया, हल्का सा और फोल्ड किया और फिर ये वाला जो कॉर्नर है इसको यहाँ ले आए, इस वाले को यहाँ ले आए। ये ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो ये अभी एनवलप की तरह बन गया है। इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ से फोल्ड कर दीजिए, इसको यहाँ से फोल्ड कर दीजिए। तो ये हो गया आपका फोल्ड और अब आप यहाँ पे लगाइए अपना ग्लू और ये हो गया बंद। ये तैयार है हमारा स्प्रिंग रोल। तो ये तैयार है हमारा एक, अभी मैं आपको एक और दिखाता हूँ और फिर हम इनको बना। ये एक और शीट ले ली हमने, ये हमने भर दिया है बॉटम एंड पे, ये देखिए। और अब हम इसको ये ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और ये वापस हमने इसको ऐसे फोल्ड किया, यहाँ से फिर फोल्ड किया ऐसे, इधर से भी ऐसे फोल्ड किया, आप इसको फिर ऐसे फोल्ड करिए, ये इधर तक आ गया। अब ये जो हमने ग्लू बनाया था इस ग्लू को लगा दीजिए अच्छी तरीके से ताकि ये चिपक जाए, ये देखिए। तो दोस्तों ये हमारे ऑलमोस्ट 10 स्प्रिंग रोल तैयार हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम आपको दो तरीके से दिखाएंगे। एक तो हम इनको एयर फ्राई करेंगे, हल्का सा ब्रश से इसमें तेल लगाएंगे और इसको अपने एयर फ्रायर में डाल देंगे, और दूसरा हम इसको रेगुलर फ्राई करेंगे। तो चलिए दोनों प्रोसेस देखते हैं। तो हम इनके ऊपर हल्का सा ब्रशिंग कर देते हैं ऑयल की, ऐसे, बस ज्यादा नहीं लगाना है आपको, बस हल्का सा ऑयल लगाइए और देखना आप क्या क्रिस्पी बनेंगे। ये भी 5 स्प्रिंग रोल जो है हम एयर फ्राई कर रहे हैं और 5 हम कर रहे हैं डीप फ्राई। चलिए इसको बनने देते हैं, तब तक हम अपना एयर फ्रायर का काम करते हैं। तो ये हमारी एयर फ्रायर की शीट तैयार है, इसमें हम लगा देते हैं अपने स्प्रिंग रोल्स। ये लग गए हमारे 5 स्प्रिंग रोल्स और हमारा एयर फ्रायर ऑन है। इसके अंदर ये एयर फ्रायर के अंदर हमारी ट्रे चली गई, इसको हम कर रहे हैं 300 पे और एयर फ्राई हो रहा है ये 10 मिनट। तो ये देखिए दोस्तों हमारे स्प्रिंग रोल डीप फ्राई वाले ऑलमोस्ट रेडी हैं, इनको हम निकाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं एयर फ्रायर वालों को भी, फिर दोनों की प्लेटिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों क्या ही गजब के ये स्प्रिंग रोल बने हैं डीप फ्राइड, बहुत ही क्रिस्पी हैं। आपको एक काट करके दिखाता हूँ, देखिए क्या क्रिस्पीनेस आवाज आ रही है, ये देखिए क्या ही जबरदस्त बने हैं, खुशबू भी लाजवाब आ रही है। हमारा एयर फ्राइड स्प्रिंग रोल ये भी जबरदस्त दिख रहा है, इसको भी आपको काट करके दिखाता हूँ। ये देखिए क्या जबरदस्त बना है अंदर से, देखिए क्या ही जबरदस्त है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।